हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों में लड़कियों और महिलाओं को बाल पकड़कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर बांग्लादेश का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शायद इस वीडियो के जरिए दिया जा रहा संदेश लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए ये वायरल हो रहा है। 2 अप्रैल को बेस्ट इट्स बेस्ट इट्स के फेसबुक पेज से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 5,353,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इतना ही नहीं, इस वीडियो को करीब 89,000 लोग शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि लड़कियां घरेलू हिंसा से इस कदर तंग हो गई हैं कि उन्हें जिस बाल से सबसे ज्यादा लगाव है वे उसे भी कुर्बान करने को तैयार हैं। वीडियो की शुरुआत में लहंगे में सजी धजी एक लड़की सैलून में आती है। वह चेंज करने के बाद चेयर पर बैठती है और बाल काटने को कहती है। सैलून की कर्मचारी कहती है कि मैम, आपके बाल काफी खूबसूरत हैं, इन्हें लंबा ही रहने दीजिए, कहिए तो इसे ट्रिम कर दूं। इस पर लड़की दोबारा से बाल छोटे करने का इशारा करती है। बाल थोड़े छोटे करने के बाद सैलून की हेयरड्रेसर पूछती है कि अब ठीक है, तो उसका जवाब होता है और छोटा कर दो। करीब 80% बाल काटने के बाद जब हेयरड्रेसर पूछती है अब रहने दो, तो उस लड़की के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वह कहती है, आप इस बाल को इतने छोटे कर दो ताकि ये किसी के हाथों में न आ पाए। उस लड़की ये बातें सुनकर सैलून में मौजूद सभी लड़कियां चौंकती हैं और वे भी भावुक हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि इस विज्ञापन को एक तेल बनाने वाली कंपनी ने तैयार कराया है।